हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कुकिंग स्पेयर। मैं अनामिका, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्रेप किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्रेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है स्वाद के अनुसार, एक छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया है, एक चम्मच मैंने टोमेटो केचप ले लिया है, दो चम्मच शेजवान सॉस ले लिया है मैंने। यहाँ पे टोमेटो के जब दो चम्मच भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीन से चार आलू ले लिए जिन्हें बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। क्रेप बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा ले लिया है जिसको पतला घोल तैयार करना है, जैसे बेसन का चीला बनाते हैं उसी तरीके से। एक मैंने मैगी ले ली है पैकेट। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म होने के बाद दो चम्मच मैंने ऑयल डाला है। यहाँ पे मैगी है मैंने डाल दी है। इसमें कोई मसाले नहीं जाने हैं, सबसे पहले कुछ भी नहीं जाना, बस सिंपल से मैगी तैयार करनी है। इसमें आधा कप मैंने पानी डाला है, बस इसमें जो मैगी मसाला है उसी को डालना है, अदर कोई मसाला नहीं डालना है इसमें। तो यहाँ पे जो मैगी मसाला एक पैकेट है उसे मैंने डाल दिया है और इसे चला दिया है। गैस मीडियम रखनी है। ये देखिए मैगी जो है बनकर तैयार है, बस इसका थोड़ा सा पानी जो है वो और पक जाए। ये देखिए मैगी बन गई है। अब इसमें डाल देना है जो आलू मैश किए हुए हैं उन्हें डाल देना है और बस इसको आपस में मिक्स करना है। यहाँ पे मैं मैगी और आलू की मिश्रण है तैयार कर रही हूँ क्रेप बनाने के लिए। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें आता है नमक, तो नमक डाल दे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। और अब इसमें डाल दे गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद टोमेटो केचप है उसे डाल दें। आप टोमेटो केचप जितना खाना चाहते हैं, एक चम्मच दो चम्मच जितना खाना चाहते हैं उतना इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो शेजवान सॉस है इसे डाल दें। ये मैंने दो चम्मच लिया है तो इसे भी मैंने डाल दिया है। इसमें अदर कोई मसाला नहीं जाएगा, इससे भी टेस्ट देखिएगा बहुत अच्छा आएगा। आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा एक बार। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है सॉस से। इसके बाद मैंने प्याज बारीक कटा हुआ लिया है उसे डाल दिया है। इसके ऊपर से प्याज आप इसमें डालेंगे तो काफ़ी टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैदा जो है उसमें मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मैंने आपस में मिक्स किया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे बिल्कुल पतला घोल तैयार कर लेना है, जैसे चीले बनाते हैं उसी तरीके से। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें, इसे फेंटते बराबर रहना है। तो जैसे मैं फेंट रही हूँ उसी तरीके से फेंटना है बिल्कुल। इसमें और पानी मैंने डाला है और देखिए इसी तरीके से बिल्कुल तैयार करना है मैदे का घोल। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन गर्म होने के बाद मैंने एक चमच इसमें मैंने मैदे का घोल है उसे डाला है। ये नॉन स्टिक पैन है तो इसमें तेल लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही छूट जाएगा, अभी देखिएगा। अगर नॉर्मल आप पैन ले रहे हैं तो उसमें एक चम्मच पहले ऑयल लगा दें। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए पलट दिया है। तो ये देखिए एक तरफ से कितना अच्छा सा सिक गया है। तो यहाँ पे मैंने सेक दिया है। इसी तरीके से सारे जो हैं चीले बना ले मैदे के। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है और इस पर देखिए जिस साइड से पका हुआ है उसी साइड रखना है। और इसमें जो आलू का मिश्रण मैंने बनाया है आलू मैगी का, इसकी टिक्की बना के रख लेनी है। इसको एक तरफ मैंने फोल्ड किया और इसमें मैदे का घोल मैंने तैयार किया हुआ है उसे लगाया है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से फोल्ड किया और मैंने मैदे का घोल लगा दिया। तो ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ से फोल्ड किया है। इसको बिल्कुल पॉकेट की शेप देनी है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से बनाया है। यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है और इसको भी मैंने इस तरीके से चिपका दिया है। एक क्रेप बनकर बिल्कुल तैयार है।
ये देखिए कितना अच्छा शेप बिल्कुल बनकर आया है। यहाँ पे मैंने देखिए बनाया है, यहाँ पे मैं दूसरा है उसको भी मैं बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। जिस तरफ से सिका हुआ है अच्छे से उसी तरफ फिर रखना है। एक आलू की टिक्की मैंने रखी, एक तरफ मैंने फोल्ड किया, इस पे मैंने ये मैदे का घोल लगाया और दूसरे साइड भी मैंने इस तरीके से चिपकाया और मैदे का घोल है उसे लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने भी लगा दिया मैदे का घोल इस पे भी। तो ये देखिए इस तरीके से इसको भी फोल्ड कर देना है। इसे सेलो फ्राई करेंगे, इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप लोग सोचेंगे इसके साइड के कैसे सिकेंगे, इसको भी सेक लेना है और ये काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में, क्रिस्पी सा। सारे क्रेप बनके बिल्कुल तैयार हैं। मैंने सारे बना लिए हैं इसी तरीके से। और अब यहाँ पे वही पैन मैंने यूज़ किया है, इसमें मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला है क्योंकि इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं तो 4 चम्मच तो ऑयल जाएगा ही इसमें। बस इसे गर्म होने दे मीडियम आंच पे। अब यहाँ पे आपके पैन में जितने आ जाए क्रेप उतने रख सकते हैं। मेरे पैन में 4 आ गए हैं तो मैंने 4 रख दिए हैं। इसके साइड भी सेक लेंगे तो ये कच्चापन इसका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 क्रेप अपने हैं वो रख दिए हैं। अब इसे पलट पलट के सेक लेना है और ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। अब ये देखिए मैंने पलटा है तो देखिए एक साइड से कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो इसको मैंने पलटा, इसको भी मैंने पलट दिया, 4 के 4 मैंने पलट दिए हैं और कितने अच्छे कलर लग रहा है दिखने में। इसको मैंने फिर पलट के दिया है और देखिए ये इधर साइड भी कितना अच्छा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा लग रहा है और गोल्डन ब्राउन कितना अच्छा कलर लग रहा है देखने में। इसी तरीके से आप सारे क्रेप बना लीजिए। क्रेप बनकर बिल्कुल तैयार हैं। क्रेप की रेसिपी आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। क्रेप को आप चिली सॉस के साथ, टमाटो केचप के साथ खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मेरे बेल आइकन को जरूर दबाएं।